हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका लकी फैमिली भुत्तर में। कैसे हो आप सब, व्हाट्सएप ऑल ऑफ यू। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खेत गाय के लिए घास लेने। वहाँ देख सकते हैं आप मेरी वाइफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप फूल गोभी यहाँ पे लगने वाली है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाँव का, आई लाइक इट। नंगोठी विलेज, खूबसूरत पहाड़ों की रानियाँ यहाँ मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। हिमाचल क्वीन, कैसे हैं आप सब? थैंक यू। आप सब तो नहीं, आप कैसे? धूप है इस टाइम बहुत ज्यादा, सो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो हमारी स्किन जल जाएगी। मेरे ऊपर एफा दो, मैं प्रोटेक्ट रहूंगा, प्रोटेक्ट। ये देख सकते हैं रास्ते में बड़ा ज्यादा घास हो चुका है यहाँ पे, ये चारों तरफ। नीचे देख सकते हैं पीछे में फूल गोभी लगाई है यहाँ पे लोगों ने, तो बगीचे में आगे आगे बताएंगे आपको। एप्पल भी वहाँ पे लगे होंगे तो वो भी आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें गाइस, तो आपको एप्पल भी बताएंगे वहाँ पे कितने कितने हो चुके हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं सफर की ओर। ये देख सकते हैं आप नेचुरल फ्लावर्स जो कि 12 महीने ही होते हैं ये। वाह, ब्यूटीफुल कैसे लगे हैं, कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही मस्त। बहुत दिनों के बाद आज खेत जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे हम स्पेशली किस लिए जा रहे हैं, तो वो हम आपको नीचे जाके ही बताएंगे। ये देख सकते हैं आप गोभी के खेत दिखने वाला है सारे। क्या स्पेशल दिखने वाला है वो मैं नीचे जाके बताऊंगी क्या दिखाने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रे के लिए यहाँ पे ड्रम रखे हैं यहाँ पे। जब यहाँ स्प्रे करनी होती है तो इनमें दवाई डाल के, तो यहाँ मशीन लगा के स्प्रे की जाती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ फूलगोभी के कुछ अलग से होते हैं, डिफरेंट सा लुक होता है इन दोनों में, आप देख सकते हैं। ये है बंद गोभी। अच्छा, ये बंद गोभी है। यस, इसके पत्ते देखो, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, बिग बिग है इसके साइज, है ना। उसका कुछ और सा रहता था। ये आप देख सकते हैं फूलगोभी के लंबे लंबे, जिनका साइज लंबा रहता है और बड़े बड़े होते हैं, उसका थोड़ा बिग साइज चौड़ा साइज रहता है। ये ऊपर बंद गोभी। ये देख सकते हैं आप गाइस, नंगोठी विलेज का व्यू कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारे विलेज का, नंगोठी जेरी। वाओ, सुपर। ये आप सब नीचे देख सकते हैं बगीचे हैं यहाँ पे, एप्पल के मिक्स बगीचे हैं यहाँ पे। एप्पल, पीस, मैरीपोजा, खुड़मानी और भी कई तरह के फ्रूट लगते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं पलम का साइज, अभी बहुत छोटे छोटे हैं, बट कुछ टाइम में ये बड़े होने वाले हैं, तो बहुत कम समय में ये फास्ट चलती है इनकी ग्रोथ। चलो आगे चलो। तो गाइस, मैं अभी आपको एक स्पेशली चीज दिखाना चाहती हूँ जो हमने अभी खुद भी आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक दिन क्या हुआ था, बारिश वाले दिन बिजली गिरी थी, तो दो चार दिन पहले की बात है ये। हाँ, दो चार दिन पहले की बात है, बारिश वाले दिन यहाँ पे बिजली गिरी। तो इतनी दूर से लकी जी जूम करके थोड़ा सा आप दिखाओ, पेड़ वहाँ पे पूरा फाड़ दिया है इस तरह से जब बिजली। और ये जहाँ भी हम खड़े हैं अपने ऑर्चर्ड में हम खड़े हुए हैं, तो ये आप बैक साइड ट्री देख सकते हैं। यहाँ मैं जूम करता हूँ आपको, ये देखिए, इसके फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिजली गिरी है, तो आज तक हमने कभी नहीं देखा है। हमने क्या, हमारे माँ बाप किसी ने भी नहीं देखा, इतने नजदीक कभी नहीं गिरी है। तो यहाँ हमारे खेत में पत्थर निकाल रहे थे, तो वो बेचारे बहुत डर गए थे, कह रहे थे कि हमारे सामने ही बिजली एकदम से गिर गई, हम खुद परेशान हो गए, क्या हो गया। इस पेड़ में गाइस बिजली गिरी है, तो इसके दो टुकड़े हो गए, हाँ दिख रहा है, ऐसा लग रहा जैसे काट के फेंक दिया है बीच से। ये देखिए, तो चलिए, मैं चाहती थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे देखने के लिए, तो स्पेशली मैं आई थी। मैं सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ, हम दोनों ब्लॉग बना रहे हैं स्पेशली आपके लिए कि हम आपसे भी शेयर करें कि यहाँ भी बिजली गिरी फर्स्ट टाइम, बट गिरने नहीं चाहिए। ये गाइस आप देख सकते हैं फिर से वाटरफॉल आ गए हैं हम अपने।
ये वाटरफॉल हमने बहुत बार आपको ब्लॉग में बताया हुआ है, हम फिर बताना चाहते हैं। ये है हमारे खेत का वाटरफॉल है, तो देख सकते हैं आप कितनी हरियाली हो चुकी है यहाँ पे। ये सब हम घास काटने वाले हैं, यहाँ पे अपनी सुरभि को हम घास ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? घास, हरी हरी घास। हमारी सुरभि की डिलीवरी हुई है तो उसकी छोटी सी बच्ची हुई है, इतनी सुंदर लाल लाल बच्ची। ये है गाइस एप्पल के ट्री, ये देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल लगा हुआ है। ये देखिए आप एप्पल, ये गाइस देख सकते हैं आप ये एप्पल छोटे छोटे से, अभी इनका साइज 1 इंच तक का भी हुआ है, बस कुछ ही मंथ में ये अब तैयार हो जाएंगे। मेरी मैडम जी यहाँ पे घास काटने आए हुए थे तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, ब्लॉग शूट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बिल्कुल साफ हुआ करता था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हरियाली हो चुकी है, आसपास दिखता ही नहीं है कुछ भी यहाँ पे। अब बस 2-4 महीने में यहाँ पे फ्रूट का सीज़न चल पड़ेगा, फिर बिज़ी हो जाएंगे। अब यहाँ के लोग सारे बिज़ी हैं जो किसान भाई है मेरे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं येलो फ्लावर, नेचुरल फ्लावर है यहाँ पे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। वाह, और इसके बीच में यहाँ बोलते हैं हिमाचल भाषा में जो लगे हैं यहाँ पे जो। वाह ब्यूटीफुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैडम जी लग पड़े हैं अपने हार्ड वर्क में। जब भी आते हैं तो अपने घर की सेवा करते हैं, माँ बाप के लिए सोचते हैं कि जितना मैं कर सकूं। सुरभि की सेवा कर रही हूं, सुरभि के लिए ले जा रही हूं। सुरभि कौन है बता दो? मेरी गौ माता है वो। तभी आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे अपने ऑर्चर्ड में, यहाँ पे मैरी पोजा यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुके हैं, या ट्री छोटा सा, और इसमें मैरी पोजा बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको बताता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं इसमें मैरी पोजा लगे हुए हैं, छोटा सा ट्री है ये देख सकते हैं, और इसमें है मैरी पोजा की लाइन लगी हुई, और ये अंदर से लाल होता है खाने को, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस ये, और मार्केट में बहुत महंगा बिकता है ये। यहाँ भी है ट्री मैरी पोजा का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाओ सुपर, ये मैरी पोजा का ट्री छोटा ही होता है गाइस, तो इस छोटे से पेड़ में ही बहुत सारे मैरी पोजा के फ्रूट लग जाते हैं। तो इस बार ओले पड़े थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 वीक के आसपास में, तो कुछ इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है यहाँ बगीचों का, तो ओले पड़ने से फसल बहुत ख़राब हो जाती है गाइस, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के किसान भाई लोग जो भी हैं, तो यही उनका सोर्स होता है साल में इनकम का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं मैरी पोजा का ट्री, इसमें भी भरपूर मात्रा में मैरी पोजा लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं नाशपाती, अभी 1 इंच की हो चुकी है ये नाशपाती, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर गाइस। ये आप देख सकते हैं हमने किल्टे भर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बैक टू होम, तो गाय के लिए खाने की सुरभि के लिए हम ले जा रहे हैं घास। तो आई होप आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड थोड़ा झुक जाओ बारी नहीं है कि, एंड मेक श्योर गाइस जो इतना भी नहीं झुकना, जो हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हमारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल जो हमें इतना प्यार करते हैं। क्या बात है, सही बात है।